हेलो गुड इवनिंग सर। जी, सब ये स्टार्ट करते हैं यस सर। फिर। सो आपको 2D प्लेन्स के बारे में पता है कि जैसे हम एक्सेस जो लेते हैं इन 2D, जैसे हमने 10th क्लास तक पढ़ा है कि जैसे हमारे एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस ही होता है, ठीक है। ओके, तो अब क्या है ना, हमारा एक और एक्सेस इंट्रोड्यूस हो रहा है। इसमें हमारा एक्स एक्सेस होता है, वाई एक्सेस होता है एंड जेड एक्सेस होता है। ओके, और एक्स का जैसे हमें पता है कि ये पॉजिटिव साइड होती है, ये नेगेटिव साइड होती है एक्स की, और ये वाई की पॉजिटिव साइड होती है और ये वाई की नेगेटिव साइड होती है। ऐसे ही जेड की ये वाली पॉजिटिव साइड होती है, ये वाला एक्सेस जो होता है साइड का, और जेड का जो बैकवर्ड होता है, ये जो पीछे जा रहा है, ये होता है हमारा जेड का नेगेटिव एक्सिस। ओके, तो जैसे हमें, आपको एक्स कोऑर्डिनेट को पता है, जैसे अगर हमें कोई बोलता है कि 1.2 है, सो हमारा 1 जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है। इसको एक और नाम होता है, वो क्या कहलाता है? ऐसे वाई एक्सिस को भी हम कुछ कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को, बताइए। तो नहीं पता। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं हम एब्सिसा, एंड हम वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। एंड जेड एक्सिस को हम बोलते हैं एप्लीकेट एक्सिस। ये नया वर्ड इंट्रोड्यूस होता है हमारा, एप्लीकेट एक्सिस। ओके, यस अगर हमारे, जैसे हमारे 2D एक्सिस है, इसमें एक्स एंड वाई एक्सिस, अगर हमें एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट दे दिया, तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक्स कुछ एक्स पॉइंट होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होगा इस पॉइंट पर? सर आप रिपीट अगर कर एक्स दीजिए एक्सिस एक पर बार। हमारा, अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, ओके, वो यस जैसे मान लो 1 है, तो इस पॉइंट पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स डैश नहीं, मतलब यहां पर हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, तो एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है? जैसे यहां पर आप देखते नहीं, जैसे अगर कोई एक्स एक्सिस लिखिए कि यहाँ पर हमारा 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, तो जैसे इस पॉइंट पर हमारी एक्स की वैल्यू तो 1 है, वाई की वैल्यू क्या है इस पॉइंट पर? नहीं, तो जीरो होगी ना, क्योंकि जो भी हम पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर लेते हैं, उस पर वाई की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। सिमिलरली अगर हम वाई एक्सिस पर पॉइंट लें, जैसे यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो होगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। ये तो पता होता है ना सबको कि जैसे एक्स कोऑर्डिनेट पर कोई भी पॉइंट है, उस पर एक्स कोऑर्डिनेट होगा एंड वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो सिमिलरली जैसे हम 3D अब केस ले रहे हैं, तो अगर हमने एक्स एक्सिस पर पॉइंट लिया, यहाँ पर कोई पॉइंट लिया जिसकी वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू 2 है, तो इस पॉइंट पर वाई की वैल्यू क्या होगी? छः जीरो हाँ, और ऐसी जेड की वैल्यू क्या होगी अब, क्योंकि ये जेड एक्सिस नहीं है, ये एक्स एक्सिस है, तो जेड की वैल्यू क्या होगी? सर, ये भी जीरो। हाँ, ये भी जीरो होगी। तो बस एक्स एक्सिस हमारा होगा जिस पर कोऑर्डिनेट लाई करेगा, और वाई और जेड एक्सिस हमारा जीरो होंगे। तो क्वेश्चन ऐसा आया था कि आप अगर एक्स वाई प्लेन है कोई भी हमारा, एक्स वाई प्लेन का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या विजुलाइज कर सकते हैं? एक्स वाई प्लेन कौन सा प्लेन होगा? जैसे हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये एक्सिस, और अगर हम कुछ भी इसके ऊपर ऐसे एक प्लेन सा बना दें, तो ये जो होगा हमारा एक्स वाई प्लेन होगा। सिमिलरली अगर हमारा, हम कोई हमसे कोई बोलता है कि एक्स जेड प्लेन बताओ क्या होगा, तो एक्स जेड प्लेन हो हमारा एक्स एक्सिस ये रहा, वाई एक्सिस ये रहा, तो इन एक्सिस के बीच में जो भी प्लेन लाई करेगा वो एक्स जेड एक्सिस होगा, एक्स जेड प्लेन होगा, वो ऐसे कुछ दिखेगा हमें।
तो अगर कोई भी बोलता है कि हमारा एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, सॉरी एक्स वाई प्लेन है तो उसमें जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? एक प्लेन है जिसमें हमारा एक्स, वो एक्स वाई प्लेन है, तो उसमें अगर हम कोई भी पॉइंट लें, जैसे ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, तो इसमें जैसे हमारा कोई भी पॉइंट ले लिया हमने, ये जिसकी एक्स वाई एक्स है वैल्यू, वाई वैल्यू है, तो जेड वैल्यू क्या होगी इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में? मैं बताता हूँ आपको, देखिए अगर कोई भी प्लेन होता है ना, जैसे हमारा एक्स वाई प्लेन है, तो उसमें हमारी एक्स और वाई की वैल्यू तो होगी एंड जेड की वैल्यू जीरो होगी। जैसे हमने 2D में हम एक लाइन पर देखते हैं, ऐसे हम 3D में जब आए थे तो हम हमेशा प्लेन को देखते हैं, हमें कोई ये नहीं बोलेगा कि एक्स वाई या जेड एक्सिस में बताओ, वो हमेशा एक्स वाई प्लेन की बात करेगा या फिर एक्स जेड प्लेन की बात करेगा या वाई जेड प्लेन की, ठीक है? कोई भी अगर हमें प्लेन देगा, कि अगर कोई दे दिया किसी ने हमें वाई जेड प्लेन, तो इसमें वाई जेड में एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा और कुछ y की वैल्यू होगी, कुछ z की वैल्यू होगी उस प्लेन पे। समझ में आया आपको? अगर अब बताइए, अगर कोई एक्स जेड प्लेन है हमारा, ठीक है, तो इसमें हमारे और हमें बोला है कि x की वैल्यू 1 है, y की सॉरी z की वैल्यू हमें 3 दे रखी है, ठीक है? तो जैसे हमने 1 लिख दिया, ये y है, ये 3 है, तो इसमें y की वैल्यू क्या होगी एक्स जेड प्लेन है? हमें इसमें ये एक्स जेड प्लेन है, तो इसकी वजह से इसमें वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है? अब आपको जैसे ये पता है कि 2D सिस्टम में हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है ना, है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। सो इसमें हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम साइन देखें एक्स और वाई का, तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? तो पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव होता है। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो ये भी पॉजिटिव, हाँ ये भी पॉजिटिव। सो फर्स्ट क्वाड में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है ना, थर्ड क्वाड में एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है, एंड फोर्थ क्वाड में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होता है एंड वाई नेगेटिव होता है। तो हमें ये सेम चीज अब 3D में देखनी है कि हमारे पास अब जेड एक्सिस भी इंक्लूड हो गया है, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है। So, हम टेबल से बना लेते हैं कि जिसमें हमारा एक फर्स्ट क्वाड हो गया, इसमें क्या होते हैं ना, जैसे हम जब भी इसमें 3D में बात कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास इसमें चार क्वाड्रेंट होते हैं ना, जैसे एक, एरा, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें क्या होता है, हम ऑक्टेंट्स देखते हैं। ऑक्टेंट्स मतलब कि जैसे ये आपको एक ब्लॉक दिखाते हैं, ये जो है ये एक ब्लॉक है, ये लाई कर रहा है हमारा एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है, इसका ये वाला पार्ट, ओके? सो ये जो एक रूम टाइप जो बन रहा होगा इस वाले पार्ट में, ठीक है, जो रूम टाइप पड़ रहा होगा, तो ये फर्स्ट रूम है, मतलब कि इसमें एक फर्स्ट ऑक्टेंट ये है, तो इसमें से 8 ऑक्टेंट्स होते हैं। किसी भी 3D में आप देखेंगे तीनों एक्सिस में 8 ऑक्टेंट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, सेकेंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स, सेवेंथ एंड एट्थ। तो इसमें जब हम देखते हैं कि एक्स वाई एंड जेड, तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट तक तो सेम एज इट इज ऐसे ही होता है इनका, एक्स वाई का, ठीक है, कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, सेकेंड में एक्स नेगेटिव होता है, थर्ड में एक्स नेगेटिव होता है एंड फोर्थ में पॉजिटिव होता है, एंड वाई फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, सेकेंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव एंड फोर्थ में भी नेगेटिव। और जब फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ की बारी आती है ना, तो हमें बस सेम यही चीज दोबारा से रिपीट कर देनी है कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड इसमें पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है? समझ आ रहा है?
इसी पार्ट को हमें दोबारा से रिपीट कर देना है फिफ्थ क्वाड्रेंट, सिक्स्थ और सेवन्थ और एट्थ के लिए. और जेड एक्सिस का क्या होता है कि फर्स्ट के फोर्थ क्वाड्रेंट जो होते हैं ना इसके, वो ऐसा होता है कि शुरुआत के चार जो हैं वो पॉजिटिव हैं फोर्थ क्वाड्रेंट तक, और ये वाले जो हैं इसके नेगेटिव हैं. ठीक है, आपको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ये याद रखना है आपको. ठीक है, सो इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं. जैसे हमें कोई भी पॉइंट दे दिया लाइक 4, -2, -5, ठीक है, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये जो हमारे पॉइंट सिस्टम है कि जिसमें हमारा x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है एंड z हमारा नेगेटिव है, तो ये कौन से क्वाड में लाई कर रहा होगा. मतलब कि ये समझ ना आपके कौन से क्वाड में लाई कर रहा होगा कि फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में, कौन से वाले में. तो हमें फिर वो जो टेबल दे रखी थी ना उसी से हमें देखना है कि हमारा एक्स पॉजिटिव है. जैसे मैं बैक जाके दिखाता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन क्या था हमारा कि 4, -2 and -5, जैसे ये है, इसमें ये पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है एंड जेड भी नेगेटिव है. सो इसमें आप टेबल में देखेंगे तो हमारा एक्स पॉजिटिव कहाँ पर आ रहा है एंड वाई दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड में आ रहा है. वाई एंड जेड दोनों नेगेटिव है, तो इसका आंसर जो होगा वो एट क्वाड, मतलब कि ये हमारा पॉइंट जो लाई कर रहा होगा ये एट्थ क्वाड में लाई कर रहा होगा. ठीक है, तो आपको मतलब कि ये टेबल एक बार रिमेम्बर कर लेनी है. और वहां पर वैसे आपको अगर क्वेश्चन आ भी जाए कहीं पे भी तो आप बस वहीं पे बना लिएगा तो आंसर आ जाएगा. ठीक, तो अब आते हैं हम, जैसे अगर बोलते हैं हमारे पास कि एक्स एंड वाई एक्सिस, देन चलिए अपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े 2D में. सही का वापस से बता, जैसे कि अगर हमारे पास ऐसे एक्स एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस है, इसमें हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है. ठीक है, और ए के कोऑर्डिनेट है एक्स वन एंड वाई वन, ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट है एक्स टू एंड वाई टू. ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है कि ए बी की जो डिस्टेंस होगी वो होगी अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, जो होता है हमारे 2D में. ये आपने पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में. और 3D में जो होता है हमारा, 3D में सेम अगर हमारे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, लेकिन इसमें हमारा एक्स वन, वाई वन एंड जेड वन तीन पॉइंट आ जाते हैं 3D में. सिमिलरली एक्स टू, वाई टू एंड जेड टू. सो इसमें हमें ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए सेम प्रोसेस रिपीट करना है, बस एक जेड का फॉर्मूला और एड कर देना, लाइक एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन होल स्क्वायर. तो ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला. नोट कर लीजिए. सर्टन. अच्छा, ये एक, ये दो पॉइंट्स हमारे पास, जैसे माइनस टू कॉमा फोर कॉमा वन एंड वन कॉमा टू, आप फॉर्मूले में पुट करके एक बार बताइए क्या आ सकता है, क्या आएगा आंसर, पुट करके देखिए एक बार.
ये जो है हमारा ये एक्स वन है, ये वाई वन है, ये जेड वन है, ये एक्स टू है, ये वाई टू है, ये जेड टू है। ये सारी चीजें आप इसमें बस पुट कर दीजिए, ये डिस्टेंस आ जाएगा। आया कुछ? देखना। अंडर रूट 10 आएगा क्या? अंडर रूट 10 टेन, टेन तो नहीं आना चाहिए। एक बार आप देखिए, जैसे हम इसमें पुट करते हैं तो एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू क्या है वन, एक्स एंड एक्स वन क्या है माइनस टू, तो माइनस ऑफ माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई टू क्या हमारा टू माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस जेड टू क्या हमारा माइनस फाइव माइनस जेड वन विच इज वन होल स्क्वायर। सो क्या आएगा अंडर रूट वन माइनस वन माइनस माइनस टू क्या होगा प्लस, तो प्लस थ्री हो जाएगा विच इज नाइन, थ्री स्क्वायर क्या होता है नाइन, प्लस टू माइनस फोर माइनस टू होल स्क्वायर क्या होता है फोर, प्लस माइनस फाइव माइनस वन माइनस सिक्स होल स्क्वायर इज 36। तो अंडर रूट क्या आएगा 36 प्लस फोर इज 40, 40 प्लस नाइन इज 49, तो अंडर रूट 49 विच इज सेवन, सेवन है कौन सा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, इसमें बोलता है कि एक पॉइंट है हमारा 1, 2, 3 ठीक है, और एक पॉइंट है हमारा -1, -1, -1 एंड एक थर्ड पॉइंट है 3, 5, 7। इसमें बोला है कि प्रूव दैट दे आर कोलिनियर। ठीक है, कैसे कर सकते हैं प्रूफ हम इसे कि ये थ्री पॉइंट्स जो है हमारे कोलिनियर है, कि एक पॉइंट पर आएगा। जैसे अगर ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है, कि हमारा पी यहाँ पर लाई कर रहा होगा, क्यू यहाँ पर लाई कर रहा होगा एंड आर यहाँ पर लाई कर रहा होगा, ऐसे कुछ, या फिर पी यहाँ पर आर हो या क्यू, कुछ भी हो सकता है, उनकी तीनों एक पॉइंट पर लाई कर रहे होंगे, तो हम कैसे कर सकते हैं इसे प्रूफ, कुछ आइडिया है? इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगेगा ना? हाँ, सब में मतलब कि जैसे आपको सबसे पहले हमें पी क्यू का डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है, फिर हम क्यू आर का निकाल लेंगे डिस्टेंस, फिर एक बार हम पी आर का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है, फिर उससे निकालते जैसे करके देखते हैं हम पहले, ठीक है, पी क्यू निकालते हैं, तो पी क्यू क्या होगा माइनस वन इज टू, टू स्क्वायर इज फोर, ऐसे माइनस वन माइनस टू इज थ्री, थ्री स्क्वायर एंड माइनस वन माइनस थ्री इज माइनस फोर होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारा 16 प्लस 9 प्लस 4 विच इज √29। ठीक है, ऐसे ही अगर हम क्यू आर निकालते हैं तो क्यू आर क्या आएगा, क्यू आर आएगा 3 माइनस 1 इज 4 स्क्वायर, 5 प्लस 1 इज 6 स्क्वायर प्लस 7 प्लस 8 स्क्वायर, तो ये आएगा हमारा √16 प्लस 36 प्लस 64, तो ये क्या आएगा
64 प्लस 36 इज 100, 100 प्लस 16 इज 116. सभी आ गया करवाऊं, नेट तो चलता नहीं है उसका. ओके तो ऐसे हम पीआर निकालेंगे. पीआर में क्या होगा, 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर एंड 7 माइनस 3 होल स्क्वायर. सो ये क्या आएगा, 4 प्लस 5 माइनस 2 इज 3, 3 3 होल स्क्वायर 9 प्लस 7 माइनस 3 इज 4, 4 स्क्वायर इज 16. तो ये भी हमारे क्या है, रूट 29. सो अगर हम देखें इसमें कि हमारा पी क्यू जो है वो आया रूट 29, ठीक है, और हमारा पी आर जो आया वो भी रूट 29 आया, एंड क्यू आर जो आया वो रूट 116. जब आप इसमें से 4 कॉमन निकालेंगे तो मतलब कि 4 अंदर से निकालेंगे तो 4 का रूट क्या होगा, 2, तो 2 अंडर रेट और ये अंदर बचेगा 29. तो ये 2 टाइम्स है हमारा किसका, पी क्यू एंड पी आर का. तो हम क्यू आर को ऐसे लिख सकते हैं कि क्यू आर इज पी क्यू प्लस पी आर. ओके यस सर. तो हमारा क्यू क्या होगा, क्यू हमारा ऐसा कुछ होगा और आर यहाँ होगा एंड पी हमारा यहाँ होगा. तो जब ये कंडीशन जब भी सेटिस्फाई कर सकती है कि हमारा ये डिस्टेंस जो होगी पी क्यू प्लस पी आर जो है विच इज इक्वल्स टू क्यू आर आगे. तो इसका मतलब कि तीनों पॉइंट्स का है कोलिनियर है. समझ में आया आपको? यस सर. कर लीजिए नोट. सर ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप करना सॉल्व. ठीक है, इसी टाइप का सेम दो. तो हमारे पास 3 पॉइंट्स है, जैसा अगर हमने मान लिया कि 1, 3, 5 है, -6, 2 एंड 1 है, एंड 3, -4 एंड 7 है. ओके और हमें इनको प्रूव करना है डेट दे आर, या ये तो हमारा नहीं हो पाएगा, इसको हम डायरेक्ट भी करते हैं. okay.
चलो आपको एक क्वेश्चन देता हूँ नेक्स्ट वाला, वो याद करें। हमें बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस विच इज एट 5√2 डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, एक पॉइंट है हमारे पास पी, ठीक है, 3, -2 एंड 5, ओके। और ये पॉइंट जो है हमारा 5√2 डिस्टेंस है, इतना इसके बीच में डिस्टेंस है पी पॉइंट और वाई एक्सिस के बीच में। वाई एक्सिस मतलब ये वाली वाई एक्सिस जो है ना हमारी, एक्स एंड वाई, ओके। तो ये वाई एक्सिस पर एक पॉइंट है हमारा, तो ये पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? आप मतलब जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि अगर हम वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट ले रहे हैं तो उस पर एक्स और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 जीरो होगा। तो ये 0, y, 0 इस तरीके से ये कुछ है। और एक पी पॉइंट है हमारा ये, और पी और ये पॉइंट अगर मान लो हमारा क्यू है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है ना ये 5√2 है, ठीक है। तो हमसे पूछा है ये वाई की वैल्यू क्या होगी, समझ में आया क्वेश्चन आपको? नो सर। तो आप इस दोनों के बीच में बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और वो इज इक्वल्स टू 5√2। आप कैलकुलेट करके बताइए मुझे क्या आता है आंसर। क्वेश्चन नहीं समझा। क्वेश्चन समझो एक बार और, हाँ समझिए। हमारे पास दो पॉइंट है, एक है 0, y, 0 है ना, और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस है 5√2, और एक और पॉइंट है 3, -2, 5, ठीक है। ये दो पॉइंट है, एक ये पी है मान लो आप, ये क्यू है। पी क्यू के बीच के डिस्टेंस है 5√2। हमें वाई की वैल्यू निकालनी निकालनी कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है आपकी? तो नहीं हो पा नहीं हो पा रहा। रहा। यस सर। देखिए इसमें सिंपल, हमें सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो के यूज करना है। इसमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं हमें, दोनों पॉइंट के बीच के हमें डिस्टेंस दे रखी है 5√2 है। तो आपको सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, उसमें एक वाई की फॉर्म में एक इक्वेशन आएगी क्वाड्रेटिक, जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको। अब ये पी क्यू है, अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये दोबारा से यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला। तो 3 -0 होल स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस -2 -y, तो -2 -y होल स्क्वायर एंड 5 -0, 5 क्या हमारा वाई, जेड टू, और ये क्या जेड वन, तो z2 -z1 होल स्क्वायर 5 -0 होल स्क्वायर, ओके। ये हमें दे रखी वैल्यू क्या 5√2। ये सिंपल फॉर्मूला ही तो लगाना था। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 9 + 4 + y² + 4y, ये मैंने ओपन कर दिया, ये a² + b² करके, +25 = 25 × 2 इज 50। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, y² + 4y + 13 = 25, y² + 4y इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसे तो सॉल्व कर सकते हैं। दो वैल्यू आएंगी, एक वाई की दो वैल्यू निकलती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा, तो वो जो निकल के आएंगे हमारी वही फाइनल आंसर होगा। वही हमें पूछा था कि वाई कोऑर्डिनेट क्या, बताओ आप क्या होगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको कि कैसे यूज करें फॉर्मूला? बस हमें यस सर।
करिए, आप इसे नोट कर लीजिए। हेलो अब जैसे हमें सेम क्वेश्चन है, मैं इसमें क्वेश्चन नंबर चेंज करता हूँ, फिर आप निकालना ठीक है। इस बार क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन तो सॉल्व करनी आती है ना आपको, जैसे जो करते हैं हम कि अगर अगर हमें एक वैल्यू निकालनी है, इसका जो एक रूट निकल के आएगा क्या आएगा, अल्फा, वो पता है ना आपको, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यस सर। बाय 2 है, इससे निकल जाएगा दोनों वाई की वैल्यू ठीक है, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा ठीक है, ये तो निकल जाएगा। तो आपको सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ये दो पॉइंट्स हमारे दोबारा से, इस बार हमारा जो पॉइंट लाई कर रहा है वो जेड एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसकी वजह से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। और ये एक पॉइंट है हमारा जिससे हमारा डिस्टेंस क्या है, 3√2 है ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 3√2। अब तो आप जेड की वैल्यू निकाल के दिखाइए मुझे, मतलब वैसी क्वाड्रेट की इक्वेशन फॉर्म करिए, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को उसी तरीके से। आया कुछ आपको?
चलिए बताइए जो भी आया आपका। सर मेरा अभी तक 9 + 4 + 25 + y² = 302 आया है। मतलब आपने इन दोनों का पहले डिस्टेंस निकाला होगा पी क्यू का, है ना? यस। चलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ दोबारा से, ठीक है? तो अब अगर हम डिस्टेंस लेंगे तो 3 - 0² होगा, प्लस 2 - 0² प्लस 5 - z² इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है, 3√2। दोनों तरफ आपने फिर स्क्वायर ले लिया होगा, फिर इसको इसको खोल दिया था आपने a² - b² फॉर्मूले से, a - b² से ओपन कर दिया था, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, फिर आप वैसे कर देना। आपका आइडिया हो गया ना किस तरीके से होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन? यस सर। मतलब वो डायरेक्ट हमें ऐसे नहीं देगा कि ये 0, 0, z है, वो क्वेश्चन में ये बोलेगा कि हमें एक 3D एक्सिस है, उसमें एक्स वाई जेड है, उसमें हमें बोल दिया है कि जेड एक्सिस पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से ये क्यू पॉइंट जो हमें उसके इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो 3√2 दे रखी है। वो डायरेक्ट ऐसे नहीं देगा 0, हमें खुद पता लगाना है कि अगर जेड एक्सिस पर है, अच्छा तो ये एक्स और वाई एक्सिस उस पर क्या होगा, 0 होगा हमारा, और जेड एक्स सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट ही होगा, ठीक है? यस सर। अच्छा आइसोसेलिस ट्रायंगल पता है आपको? तो जिसमें दो साइड इक्वल होते हैं। हाँ, तो अगर हमें कोई 3 पॉइंट दे दिए ए बी सी, इसके तीनों पॉइंट्स हैं, ये x1 y1 z1 है, इसका x2 y2 z2 है, इसका x3 y3 z3 है, ठीक है? तो अगर हमें कोई बोलता है कि ए बी सी एक आइसोसेलिस ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो उसका क्या कंडीशन होगी, मतलब इनके तीनों के डिस्टेंस में क्या कंडीशन हम देंगे फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से? बताइए, मतलब अगर आइसोसेलिस ट्रायंगल है, जैसे दो साइड्स अगर इक्वल, आप बता रही कि दो साइड इक्वल होती है और तीसरी जो डिफरेंट होती है, तो ऐसे कह सकते हैं हम कि ए बी जो है इज इक्वल टू बी सी विच इज नॉट इक्वल टू ए सी, है ना? Yes, sir. तो हम इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए ऐसे ही करते हैं कि जैसे ए बी का पहले हमने डिस्टेंस निकाला, फिर बी सी का निकाला, फिर ए सी का निकाला, फिर हम तीनों को एनालाइज करके देखते हैं कि कौन कौन से दो हमारी डिस्टेंस सेम आ रही है, उससे हम प्रूव कर देंगे कि ये जो है हमारा आइसोसेलिस ट्रायंगल है। तो आपको समझ में आ गया ना कि किस टाइप से हम कि क्या प्रोसीजर रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? अगर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो कर लेंगे आप? सर ट्राई करेंगे। हाँ, तो जैसे हमारे पास 3 पॉइंट्स है, एक ए जो है हमारा 0, 1, 2 है, बी जो है हमारा 2, -1, 3 है, और सी हमारा है 1, -3, 1। ये बताइए आप, ये हमारा आइसोसेलिस ट्रायंगल है या नहीं है?
ए बी ए सी बी सी निकाले आपने। हाँ सर, ए बी बी सी और ए सी डिस्टेंस फॉर्मूला से ही निकलेगा। उससे निकालना, और कैसे निकालेंगे हम, मतलब कि ए बी, अगर हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर उसे हम एनालाइज करेंगे कि ए बी बी सी के बराबर तो नहीं है, या फिर ए बी ए सी के बराबर तो नहीं है, उससे तो पता चलेगा, और कैसे पता चलेगा आप बताइए। डिस्टेंस फॉर्मूला से तीनों के डिस्टेंस निकालने, फिर उससे हम देखेंगे, जैसे अगर हमारा कोई ट्राइंगल है ऐसा ए बी सी, तो हम इन पहले ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, उसी तो पता चलेगा हमें कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है। पहले ए भी निकालिए, ए भी क्या आ रहा है बताइए, ए भी निकाल के बताइए पहले मुझे। ए बी आया कुछ, एक अच्छा ए बी क्या वैल्यूज बताइए, क्या क्या पुट करेंगे हम ए बी निकालने में, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू ये सब कैसे लिखेंगे बताइए, प्रोसीजर बताइए हमें थोड़ा सा ए बी को निकालने के लिए। सर, 0 माइनस 1, 0 माइनस 2 करेंगे, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर हाँ नहीं, मतलब कि जीरो टू माइनस टू स्क्वायर, हाँ, फिर उसके बाद वन वन माइनस वन माइनस वन, माइनस क्या बनेगा ये, सर 1 प्लस 1 जाएगा, तो हाँ टू स्क्वायर हो जाएगा, हो और ये जाएगा टू माइनस थ्री ये क्या होगा, वन हो जाएगा, वन स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट नाइन विच इज थ्री, तो ए भी हमारा थ्री आ गया। सिमिलरली आप बी सी बताइए, बी सी जल्दी से निकाल के बताइए। कुछ आया बी सी, तो बीसी अंडर रूट में आएगा क्या? अंडर रूट क्या आ रहा है, मेरा तो अंडर रूट 21 आ रहा है। 21, देखते हैं ये बी सी में टू माइनस वन करेंगे क्या आएगा, वन स्क्वायर,
माइनस वन माइनस थ्री करेंगे, माइनस वन माइनस ऑफ माइनस थ्री क्या हो जाएगा, प्लस थ्री हो जाएगा, थ्री माइनस वन टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, ये दोबारा से नाइन ही तो आ गया, विच इज थ्री। तो मैंने टू और की जगह सिमिलरली फोर एसी लिख को दिया था। जब, अच्छा अब एसी बताइए निकाल के क्या आएगा, एसी अंडर रूट सिक्स आएगा। अंडर रूट सिक्स। अब कैलकुलेशन में बहुत गलती कर रही हूँ, देखिए ये ए सी जो हो जाएगा हमारा, ये जीरो माइनस वन वन स्क्वायर प्लस वन प्लस थ्री क्या होगा, ये वन माइनस ऑफ माइनस थ्री क्या होगा, प्लस वन प्लस थ्री बन जाएगा ना, तो प्लस फोर स्क्वायर प्लस टू माइनस वन वन विच इज वन एटीन प्लस सिक्सटीन अंडर रूट 18। तो अब ये बताइए आप मुझे, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी तो आ गया हमारा, ये दोनों हमारे ए सी के इक्वल है, सर। नहीं है ना, तो इसकी वजह से ये क्या है हमारा ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, नोट कर लिया आपने मतलब अपनी कॉपी में। यस सर। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा आपने कभी पहले, 2D में तो पढ़ा ही होगा 10th क्लास में सेक्शन फॉर्मूला। एक बार वापस बता दीजिए। दो अगर हमारा कोई पॉइंट है, एक ए एक सी, ठीक है, और उनके बीच में कोई अगर बी पॉइंट है, ठीक है, और ये बी पॉइंट जो है ये ए सी को एम इस टू एन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब कि अगर हमारा ए बी बाय बी सी का हम रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, एम बाय एन आएगा, ठीक है, तो और ये क्या है हमारा एक्स वन है वाई वन है जेड वन है, ए की वैल्यू जो है, और सी की वैल्यू है एक्स टू वाई टू एंड जेड टू, ठीक है। अब हमसे कोई बोलता है कि बी पॉइंट जो है वो एम इस टू एन रेशियो में ए सी को डिवाइड कर रहा है, तो हम इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ जो हमने मान लिया कि एक्स वाई जेड है, तो 2D में क्या, 2D में क्या होता था हमारा, सिंपली x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये n जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम x1 से, m को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, ऑपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं कि जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है हमारा m है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x की वैल्यू जो आएगी हमारी क्या आएगी, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। सिमिलरली वाई की वैल्यू क्या होगी, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, एंड जेड इज इक्वल्स टू क्या होगा, एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। तो अब ये जो हमारे जो फॉर्मूले आए ना, ये हमारे इंटरनली आए कि ये जो हमारा एसी जो है ये डिवाइड हो रहा है बी से इंटरनल, ठीक है, और ये फॉर्मूला एक बार नोट कर लीजिए आप, इंटरनली का मतलब है कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में कोई पॉइंट अगर उन्हें डिवाइड कर रहा है तो वो इंटरनल, एक्सटर्नली का मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होता है। तो
अब देखिए, अगर हमारे पास ये दो पॉइंट है, ए पॉइंट ये रहा और सी पॉइंट अगर यहाँ पर है हमारा, ठीक है, ये थे यहीं पे। अच्छा दोबारा से आपको मैं एक बार सही से बताता हूँ कि हमारे ये दो पॉइंट थे ए एंड सी, और यहाँ पर था हमारा एक्स वन वाई वन जेड वन, ए का कोऑर्डिनेट और इसका था एक्स टू वाई टू जेड टू, ठीक है। तो अगर हमारा बी पॉइंट जो है वो अब इन दोनों के बीच में नहीं है, अब बी पॉइंट हमारा बाहर है, इस पॉइंट पर है, यहाँ पर है, और इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई एंड जेड, और हमने उनके उसमें जो एम एंड एन लिए थे वो लिए थे बीच में, कि एम एम यहाँ पर है इस टू एन, इस टाइप से थे, लेकिन इसमें एम जो होगा एम यहाँ पर लाएगा रहेगा, ठीक है, और एन जो होगा वो यहाँ होगा। ठीक है, क्योंकि एम रखना हमें ए और बी के बीच में ही है, क्योंकि इंटरनली में क्या देखा था, बी हमारा बीच में था ए और सी के, तो ए बी के बीच में क्या था हमारा, एन था, तो इसलिए हमें रखना एम को ए और बी के बीच में ही है, एंड सी को बी सी के बीच हमें एन रखना है, तो ये रहा बी एंड सी, ये रहे हमारे, तो इनके बीच में क्या हमारा एन। तो इनके फॉर्मूले जो होते हैं कि अगर हमें बी का कोऑर्डिनेट निकालना है एक्स, तो एक्स कैसे निकालेंगे हम, उसी टाइप से बस बीच में माइनस एन आ जाएगा, कि एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन। सिमिलरली वाई जो होगा हमारा क्या होगा, एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन, एंड जेड होगा एम जेड टू माइनस एन जेड वन अपॉन एम माइनस एन, ये होता है हमारा एक्सटर्नली के लिए। कर लीजिए नोट आप जल्दी से, फिर एक क्वेश्चन करते हैं इसमें। डन तो अब जैसे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक बोला हमें पी पी है, उसकी वैल्यू है टू कॉमा माइनस वन कॉमा फोर, एक क्यू है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं फोर कॉमा थ्री कॉमा टू, ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक आर पॉइंट है जो इसको टू इस टू थ्री से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें बोला है कि आर के कोऑर्डिनेट्स निकालो एक्स वाई जेड, और दोनों ऑप्शन है कि तुम्हें इंटरनली भी निकालना है, जब ये आर पॉइंट जो है इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और दूसरा है कि जब ये आर पॉइंट तुम्हें एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इस पॉइंट को। एक्सटर्नली के लिए अलग वो बनेगा डायग्राम, कि ये पी यहाँ पर होगा, क्यू यहाँ पर होगा एंड आर यहाँ पर होगा, और पी की जो कोऑर्डिनेट वैल्यू सेम ही रहेंगे, और टू जो होगा हमारा ये वाला होगा, थ्री जो होगा हमारा ये वाला होगा। तो पहले इंटरनली का निकाल के दिखाइए मुझे आप, वैसे सेम फॉर्मूला यूज करने जो मैंने लिखवाए थे। यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप m और n की वैल्यू बताइए पहले मुझे, अगर इस क्वेश्चन में हम m और n की वैल्यू देखें तो क्या आएगी। सर M2 है NT। हाँ तो आप बस उस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, फिर बताइए क्या आता है आंसर।
एक्स कोऑर्डिनेट बताइए, चलिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहा है? 14/5 आर, हाँ 14/5, और वाई कोऑर्डिनेट? सही। तो 3y, 3/5 ना, यस सर, 3/5। सही है। जेड की वैल्यू और निकाल दीजिए। तो 16/5, सही है, सही। एक्सटर्नल का निकालेंगे आपको? हाँ तो एक्सटर्नल का भी ऐसे ही निकलेगा ना। सेम निकलेगा, बस इसमें क्या लगना है कि हमारा एम एक्स टू लिख देंगे, माइनस लग जाएगा बस इसमें, एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन। ठीक है, अब एक केस है जो बताता हूँ। अगर हमारे दो पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे हमें 9th-10th में दिए जाते थे कि X1 Y1 है एंड X2 Y2 है, ठीक है, और हमें एक बीच में पॉइंट दे दिया है, मान लीजिए ये B है ये C है, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते थे कि जैसे इसके इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हमें 1, 2, ठीक है, और हमें ये नहीं पता था कि ये पॉइंट जो है इस AC को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कि हमें पता नहीं है कि ये, हमें ये नहीं पता कि m इज टू n क्या है, कुछ नहीं पता हमें शुरुआत में, ठीक है, तो हम स्टार्टिंग कैसे करते थे इन क्वेश्चन की, कुछ याद है आपको कि हम क्या लेके चलते थे, कि अगर हमें m इज टू n नहीं दे रखा था तो हम इसको क्या लेते थे? एक अजम्पशन से लेते थे कि कुछ याद हो आपको? नहीं देख, अगर हमें कुछ दे रखा नहीं होता था ना कि किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो हमें लेते थे हमेशा के इस टू वन के फॉर्म, ठीक है, कि हमारा ए बी बाय बी सी जो है, विच इज जो हम एम बाय एन ले रहे थे, वो है हमारा के अपॉन वन, ठीक है। अब इसी के बेस्ड एक क्वेश्चन है, उसमें बोला है कि हमारा एक्स वाई प्लेन जो है, एक्स वाई प्लेन आपको पता था ना, जो मैंने बताया था कि अगर हमारा एक्स और वाई एक्सिस से जो प्लेन पास हो रहा होगा वो एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, तो हमें बोला है कि एक पॉइंट है 1, 2, 3, ठीक है, और एक पॉइंट है हमारा -3, 4, -5, ठीक है, और इसको एक प्लेन है हमारा एक्स वाई प्लेन, वो इसको कट कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पर ये प्लेन कट कर रहा है, ये एक्स वाई प्लेन है। अच्छा, एक्स वाई प्लेन है तो इस पे जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा? इस पूरे प्लेन में हमारा जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी किसी भी पॉइंट पर? जीरो जीरो होगी। तो अगर इस पॉइंट पर हम देखें, ये जिस पॉइंट पर इसको डिवाइड कर रहा है, तो इस पर कुछ एक्स वैल्यू होगी, वाई वैल्यू होगी, लेकिन जेड वैल्यू तो इस पॉइंट पर जीरो ही होगी, है ना। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि पहले तो कि ये प्लेन इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब कि हमारा एम इज टू एन क्या आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? नहीं सर, वापस से एक बार बता।
ये दो पॉइंट है, ठीक है। अब यहां से एक प्लेन है, प्लेन जो है वो मैं ऐसे बना रहा हूं, लेकिन प्लेन जो है वो सीधा है, वो आपको दिखेगा कि एक लाइन ही काट रही है इस लाइन को, ठीक है। लेकिन मैं आपको विजुलाइज करके दिखा रहा हूँ कि ये प्लेन दिखे थोड़ा, ठीक है। ये प्लेन ऐसा कुछ है, वो इस पॉइंट पर इसको कट कर रहा है, ठीक है। तो और ये क्या है, हमारा एक्स वाई प्लेन बोला है हमें क्वेश्चन में कि ये एक्स वाई प्लेन है। तो इस पॉइंट पर अगर हम देखेंगे, प्लेन के किसी भी पॉइंट पर, अगर हमारा ये एक्स वाई प्लेन है, तो इस एक्स वाई प्लेन में हमारा एक्स होगा, वाई होगा, लेकिन जेड हमेशा जीरो होगा। किसी भी पॉइंट ले, चाहे ये पॉइंट ले हम, ये पॉइंट ले, हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट इस प्लेन पर जीरो होगा, यस ठीक है। तो ये प्लेन हमारा इस लाइन को कट भी कर रहा है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर भी हमारा जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा, है ना, क्योंकि ये प्लेन पर लाई कर रहा है ये पॉइंट। तो अब इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये कुछ एक्स होगा, कुछ वाई होगा, और जेड तो इसका जीरो ही होगा पक्का, ये हमें पता है, ठीक है। और मैंने ये बताया था कि अगर हमें कुछ भी नहीं दे रखा होता कि हमें किस फॉर्म में रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और हमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि एम इज टू एन बताओ किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, तो हमें के इज टू वन लेना होता है, ठीक है। अच्छा तो के इज टू वन फॉर्म में लेंगे अगर हम, तो और ये इंटरनली डिवाइड हो रहा है वो दिख भी रहा है हमें। तो इंटरनली का फॉर्मूला क्या होता था, अगर हम एक्स लेंगे, अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम, एक्स की वैल्यू क्या आएगी फॉर्मूले में, आप रख के बताइए। सर इसमें एम तो दिया नहीं है, तो एम की जगह एक्स लेंगे। नहीं, अगर हमें हमें एन इज टू एन नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है, मैंने लिया किसमें, के इज टू वन लिया है, तो के की वैल्यू क्या हो गई हमारी एम, और वन की वैल्यू क्या हो गई हमारी एन, के हमारा एम हो गया एंड एन हो गया हमारा वन। जिस क्वेश्चन में भी अगर हमें एम इज टू एन नहीं दिया ना, उस क्वेश्चन में हमें यही मान के चलना है, सबसे पहले तो हमें ये लेना है कि के इज टू वन रेशियो में ये प्लेन जो है इसको डिवाइड कर रहा है या कोई भी पॉइंट, फिर वो के जो होगा हमारा एम होगा एंड वन जो होगा हमारा एन होगा। तो इसी फॉर्मूले में हम रख देंगे कि एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। तो इसमें हमारा के वो एम की वैल्यू क्या है, बताइए ये एम क्या है हमारा। तो इसमें एम के होगा, तो हाँ, थ्री थ्री के होगा सर। एक्स टू की वैल्यू क्या होगी, तो -3 -3 ना, तो -3 -3 इंटू के प्लस यस ये एन की वैल्यू क्या है, वन 1। एक्स वन क्या है वन हमारा, दे दीजिए। 1 अपॉन एम प्लस एन क्या होगा, के प्लस वन, है K+1 ना। और हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमें पता नहीं, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें के की वैल्यू निकालनी है। जब तक हम के की वैल्यू नहीं निकालेंगे, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि एम इज टू एन की वैल्यू क्या है ना। तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हमें हमारे पास दो वेरिएबल आ जाएंगे, एक्स आ जाएगा एक के आ जाएगा, तो इसको तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हिंट दी थी कि अगर एक्स वाई प्लेन है तो हमारा जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा, तो हम इस क्वेश्चन को जेड कोऑर्डिनेट से लेते हुए चलना है, मतलब कि हम एक्स की बजाय हम जेड लेंगे कि जेड इक्वल्स टू एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपॉन एम प्लस एन। अब इसमें हमारी जेड की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे हमारी जेड की वैल्यू क्या है, सर 0 जीरो है। तो जीरो हमारा एक ये हो गया। अब एम की वैल्यू क्या है, के जेड टू की वैल्यू क्या है, सर 0 ही होगी। जेड टू की वैल्यू, जेड तो हमारा ये था, ये वाला जो था ना एक्स वाई जेड, ये तो जेड हमारा जीरो हुआ है। जेड वन जेड टू क्या है, ये है हमारा एक्स वन, ये वाई वन है, नहीं होगी ये जेड वन है सर, ना, -5 होगी। ये -5 होगा ना। हाँ, तो ये -5 प्लस एन क्या है हमारा, वन, जेड वन क्या है हमारा, 3 थ्री अपॉन एम प्लस एन के प्लस वन। तो इसको सॉल्व करके बताइए के की वैल्यू क्या आती है।
माइनस 3/5 आएगी। माइनस 3/5 या प्लस 3/5? ये माइनस 5 इंटू के क्या होगा? माइनस फाइव के प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये तो इधर के जाके 0 हो जाएगा ना, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3/-5, विच इज माइनस से माइनस कट जाएगा ना, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/5। तो अब हमारा m इज टू n हमें निकालना था, हमारे m की वैल्यू क्या थी? k सबके थी, तो k की वैल्यू क्या है? 3/5 अपॉन n की वैल्यू क्या थी हमारी? 1। 1। तो हमारा m इज टू n क्या आ गया? 3/5। तो ये प्लेन जो है हमारा इन दो पॉइंट्स को 3:5 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। समझ में आया? अब इसको मैं एक बार सही तरीके से लिख देता हूँ, फिर आप नोट करना। अब मैंने क्वेश्चन बदल दिया है, ठीक है। और ये जो हमारा एक प्लेन है वो है हमारा वाई जेड प्लेन, ठीक है। और तो हमें बताना है फाइंड एम इज टू एन। इसका मतलब बताइए कैसे, प्रोसीजर बताइए पहले आप, कैसे हो गए? अगर वाई जेड प्लेन है तो इस सर पॉइंट एक्स पर जीरो हो जाएगा। x0 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x तो 0 होगा ना इस पॉइंट पर। तो वापस एक बार रिपीट करें। मैं कह रहा हूं कि जो प्लेन है, इस लाइन को जो कट करेगा, जिस पॉइंट पर कट करेगा, उस वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जीरो वाई जेड हाँ, 0, y, z होंगे। और हमें यही पूछा है कि m इज टू n। तो अगर हमें रेशियो पता नहीं होता और हमें जब निकालना होता है तो हमें k इज टू 1 लेना होता है ना। तो ये पॉइंट जो है इसको k इज टू 1 में डिवाइड कर रहा होगा। अब आप इसमें मुझे के की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी, कैसे निकालेंगे? इसको -1 कर लेना आप, इस सारे कोऑर्डिनेट को, ठीक है। अपने काले हो सिर्फ के की वैल्यू निकालने के लिए एक्स पहले निकालना पड़ेगा। हाँ, तो एक्स कोऑर्डिनेट से लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम वाई या जेड कुछ भी लेंगे तो वाई एक हमारे पास एक्स्ट्रा वेरिएबल हो जाएगा, जिससे हमारी इक्वेशन सॉल्व नहीं होने के वाले। तो इसलिए हमें एक्स लेके ही चलना पड़ेगा। तो एक्स वाले फॉर्मूले से आप निकाल के देखिए। कुछ आई के वैल्यू?
चाहे बताइए। अच्छा स्टेप बताइए, आपने सबसे शुरुआत किससे करी, कैसे शुरुआत करी इस क्वेश्चन में? x0 है, हाँ और फिर m को m की जगह x लिए के लिए हैं, और x2 हाँ की वैल्यू x2 लिए हैं 5, सही है। हाँ उसके बाद प्लस n1 है, फिर x1 -1 है सही है। अपॉन और k अपॉन क्या होगा? k+1। सही है, k प्लस वन। बस इससे k की वैल्यू क्या आएगी? ये क्या हो जाएगा, 5k? अच्छा ये क्या हो जाएगा, पूरे वाले क्वांटिटी -1 हो जाएगी। और जब के प्लस वन को तुम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इज इक्वल्स टू क्या है, 0। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5। 1/5। सो हमें पता था कि एम की वैल्यू के है, एन की वैल्यू क्या है, 1। सो एम बाय एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, विच इज 1/5 अपॉन 1, विच इज 1/5। आगे समझ में? अब समझ में आएगा ना, जैसे अगर मैंने बोल दिया कि एक्स जेड प्लेन है, तो आप निकाल देंगे ना कि एक्स जेड प्लेन में हम कैसे लेकर चलेंगे फिर तो फिर वाई पुट करेंगे वहां पे एक्स वाई, के। वाई को ही लेकर चलेंगे आप बाद में। सही सही। क्या पूरे लेक्चर में बताइए अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया तो, नहीं सर, अभी तक तो आया है। सब कुछ आगे सही समझ में आया। नहीं ओके okay। चलिए ठीक है, आज इतना ही। ओके 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 सर, थैंक यू सर। वेलकम।